सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं और जिस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके रखे हुए हैं, उन सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले जो टैक्स इनवॉइस या फिर जो डेबिट नोट्स के बेसिस पे आईटीसी लिया गया है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि डिपार्टमेंट अब ऑडिट्स के दौरान रेज कर रहा है। तो आज के सेशन में आपको इसी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करके एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका अब आप ध्यान रखिएगा आईटीसी को क्लेम करने से पहले। सेक्शन 16 के अंदर जो सब सेक्शन 2 है उसमें तो ये एक कंडीशन मेंशन है कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए या फिर डेबिट नोट की कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए और एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसमें कि टैक्स स्पेसिफाई किया गया हो, यानी कि उसके बेसिस पे आप आईटीसी जो है वो क्लेम करते हैं। लेकिन जो रूल 36 है इसके अंदर बातें बताई गई हैं डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका सब रूल 1 ये कहता है कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, ऐसा रूल 36 भी कहता है। सेक्शन 16 के अंदर आने वाले दिनों में काफी बड़े अमेंडमेंट्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर वो जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो आपको हमारी नवंबर महीने की मंथली टैक्स मैगजीन में इस बार क्यूमुलेटिव रूप में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल्स दिए गए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगर आप देखेंगे तो 36 सब रूल 2 क्या कहता है। सेक्शन 16 तो कहता है कि आपको टैक्स इनवॉइस की कॉपी रखनी मैंडेटरी है, जो कि रूल 36(1) भी कहता है। लेकिन 36(2) कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ, यानी कि आपके पास टैक्स इनवॉइस है वो तो एक कंडीशन हो ही गया, सिर्फ टैक्स इनवॉइस होना ही काफी नहीं है। उस टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या होना मैंडेटरी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अगर क्लेम करना है, इट कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6 आर कंटेन्ड इन द सेड डॉक्यूमेंट एंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज कंटेन्ड इन द सेड डॉक्यूमेंट इज फर्निश्ड इन GSTR 2। यानी कि चैप्टर 6 के अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं कि आपको एक टैक्स इनवॉइस बनाते समय या लेते समय ध्यान में रखना है वो पर्टिकुलर्स उसमें होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल दूं तो उसमें आपका जीएसटी नंबर, आपके सप्लायर का जीएसटी नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल सप्लाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह वगैरह चीजें होती। तो उसमें पर्टिकुलर्स दिए गए हैं कि एक टैक्स इनवॉइस के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आपको एज अ रिसीवर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया और इस प्रोविजो के बाद एक रिलैक्सेशन दी गई कि आपको जो चैप्टर 6 के अंदर 75 तरीके की कंडीशंस दी गई है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास जो इस प्रोविजो के अंदर पर्टिकुलर्स दिए गए, अगर वो सारे पर्टिकुलर्स अवेलेबल हैं तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है या ऑब्जर्वेशन आया है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट इस बेसिस पे डिनाई कर दिया गया कि पर्टिकुलर्स एज मेंशन्ड इन चैप्टर 6 जो है वो नहीं दिया गया, तो इस अपवाद का, इस प्रोविजो का आप हेल्प ले सकते हैं। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट If the said document does not contain all the specified particulars, जितने particulars specified हैं सारे नहीं भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन but contains the details of amount of tax charged, अगर आपके tax invoice में
क्या टैक्स चार्ज किया गया है उसका अमाउंट, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, और उसका अमाउंट कितना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्या गुड्स सप्लाई करी गई है या क्या सर्विसेज सप्लाई करी गई है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिटेल्स अगर मेंशन्ड है टैक्स इनवॉइस पे। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू, जो आपकी वैल्यू हुई है वो आपके टैक्स इनवॉइस पे अवेलेबल है। जीएसटी ऑफ द सप्लायर, यानी कि जिससे आपने माल या सर्विसेज लिया है, यानी कि सप्लायर का जीएसटी नंबर, एंड रिसिपिएंट, और जिसको माल दिया गया है या जिसने माल खरीदा है उसका जीएसटी नंबर मेंशन्ड है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई भी अगर मेंशन्ड है तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप जीएसटीआर 2 रिकंसाइल करते हैं उसमें कई बार आपका इनवॉइस नंबर मैच नहीं होता, इनवॉइस की डेटें मैच नहीं होती, तो उसके वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं डिनाई होगा। यहां पर 6 चीजें बताई गई, टैक्स चार्ज होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का ब्यौरा होना चाहिए, टोटल वैल्यू उसमें मेंशन होनी चाहिए, सप्लायर का जीएसटी और रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, और अगर आईजीएसटी का मामला है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना मैंडेटरी है। अगर ये 5-6 चीजें भी इनवॉइसेस में अवेलेबल है तब इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी अवेल्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस प्रोविजो से आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम कर लिया लेकिन आज तक ये चेक नहीं किया होगा कि इनवॉइसेस के अंदर जो पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं वो सारे के सारे मेंशन हुए कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से पहले इनवॉइसेस में कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपको चेक कर ली। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।